इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राष्ट्रगान हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा और विधानसभा में जब भी राष्ट्रगान होता है तो कभी भी उसके बीच में नारे नहीं लगाए जाते। राष्ट्रगान जब शुरू होता है सब खड़े हो जाते हैं। बीजेपी के लोग राष्ट्रगान के दौरान नारे लगा रहे थे, और ऐसा कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा जब आया तब जाकर गवर्नर और अध्यक्ष को पता चलता। वो यूट्यूब उठाकर देखे, मैं दावे से कह रहा हूँ, जो राष्ट्रगान का अपमान किया राजस्थान की बीजेपी के नेताओं ने, उसके लिए इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, सामने आना चाहिए कि राष्ट्रगान का आपके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए। और बीजेपी जो मुद्दे अंदर लेकर आई है, पेपर लीक के मामले में जितना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है, जब बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब पेपर लीक हुए, तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो एक्ट लेकर आए, हम कानूनी कार्रवाई की और सारे पेपर लीक वालों को हम पकड़ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री हो, MLA हो, कार्यकर्ता हो, सब हमारी आत्मा रोती है। सख्त से सख्त कानून राजस्थान में बना है। तो पेपर लीक तो हाईकोर्ट के एग्जाम में भी हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, बीजेपी के राज्य में भी हो रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं, जो गांव, गरीब, खेत खलियान, माँ बहन बेटी को सम्मान देती, हमारी योजनाओं का मुकाबला ही नहीं कर सकती। यदि बीजेपी में दम है तो आज गवर्नर का स्पीच होने देती? बीजेपी गवर्नर का स्पीच इसलिए नहीं होने दे रही, बीजेपी जानती है कि राज्यपाल का यदि अभिभाषण पूरा हो जाता तो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए वो सामने आएंगे। कांग्रेस सरकार वो है जो राजस्थान में 38 लाख घरों में जीरो बिल आता है बिजली का, क्योंकि हमने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 8 लाख किसान के घर में जीरो बिल आता है क्योंकि हम किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं, 12,000 रुपए साल के किसान को अलग से दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राजस्थान पहला राज्य है पूरे देश में जहां पर मुख्यमंत्री ने आगे आकर पिछली बार बजट में यह घोषणा की कि राजस्थान के विधायक 5 करोड़ रुपए MP के बराबर मिलते हैं। राजस्थान के 200 विधायकों को आप जाकर देख लो, सड़कों का जाल हमने पूरे राजस्थान में बिछा दिया। राजस्थान मॉडल स्टेट है। और इस वक्त ये अंतिम बजट सत्र है, यदि बीजेपी में दम है तो केंद्र की सरकार के कामों पर और केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे लोकसभा चुनाव से पहले उन वादों पर, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन वादों पर बहस करा ले। हमने तो 86% वादे पूरे कर दिए। अभी जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चिंतन शिविर हुआ तब हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। अरे बीजेपी के प्रदेश के लोगों, तुम भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करो, बताओ क्या हुआ पेट्रोल डीजल की महंगाई का? तुम तो सस्ता पेट्रोल डीजल देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ गैस सिलेंडर पर? गैस सिलेंडर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की राहुल गांधी की उपस्थिति में, और राहुल गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जितने भी उज्ज्वला योजना में 69 लाख परिवार जुड़े हुए हैं उनको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी देने का काम केंद्र सरकार का था, लेकिन आप तो आटे पर टैक्स लगा रहे हो, दाल पर लगा रहे हो, चावल पर लगा रहे हो, आप तो पराठे पर टैक्स लगा रहे हो। दो बार टैक्स लगता है कि आटे पर टैक्स, फिर पराठा बन गया तो पराठे पर टैक्स। तो बीजेपी के लोगों, खुद की गिरेबान में झांको और बताओ इस तरह से राष्ट्रगान का अपमान करके पाप लगेगा? 2023 में हम फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जो पाप अब बीजेपी कर रही है सदन का काम रोक कर, वो राजस्थान की जनता का अपमान है। राजस्थान की जनता कभी भूलेगी नहीं बीजेपी वालों। JP नड्डा जी आ रहे हैं आज, प्रदेश कार्य समिति भी रखी है, और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 28 तारीख को। गहलोत सरकार को घेरने के लिए राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव लाने वाली बीजेपी? गहलोत सरकार को घेरने के लिए राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव बीजेपी लाए, लेकिन बीजेपी ये भी जवाब दे दे कि बीजेपी ने जो देश के साथ वादे किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, 15 लाख अच्छे दिन के, नोटबंदी के बाद 50 दिन में पूरी स्थितियां सुधारने के, सस्ता पेट्रोल डीजल देने के, महंगाई कम करने के, तो महंगाई ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई बेरोजगारी के कारण हर एक घंटे में आप ये मानकर चलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सैकड़ों नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका क्या होगा? ERCP पे जवाब दे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को देश को कुछ देना चाहिए, और नड्डा जी को तो राष्ट्रगान के मामले में बीजेपी वालों से सवाल खड़े करके और माफी मांगनी चाहिए देश से। राष्ट्रगान का अपमान किया बीजेपी के MLA ने। क्रूड ऑयल दाम के लिए इनके जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वही नाम है उनका, उन्होंने ये कहा, हरदीप सिंह जी पुरी ने, जो इनके केंद्रीय मंत्री है, कि क्रूड ऑयल के दाम अब कम हो गए, और दाम की पूरी टैली दी है। मैं नहीं कह रहा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। अरे देश के लोगों देखो, पाप हो रहा है,
मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 प्रति बैरल जब क्रूड ऑयल के दाम थे, तब पेट्रोल डीजल 70 रुपए के लीटर से नीचे बिक रहा था। और आज खुद इनका मंत्री कह रहा है कि क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल पर है, तो मतलब $50 प्रति बैरल का अंतर आ रहा है क्रूड ऑयल में। और मंत्री कह रहा है हमने तो कंपनियों को कह दिया, क्यों झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, लोगों के खातों में पैसे भेजो। $71 प्रति बैरल पे भी क्रूड ऑयल आ गया था, आप इतने ज्यादा पैसे ले नहीं सकते। संविधान में भी कंपनियों के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, और उन कंपनियों के रूल्स के अनुसार ये जो कंपनियां भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम काम करती है, उनके अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम होते हैं तो दाम आपको कम करने चाहिए। लेकिन सरकार जब केंद्र सरकार नकली हो जाए और दूसरों पर सिर्फ पत्थर फेंकने का काम करे तो फिर क्या करें, इनका मंत्री कह रहा है, तो आखिर ये दाम कौन बढ़ा रहा है? पूरे देश में आप 11 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देते हो, आप 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लेते हो 8 साल में, और पिछले 47 जब 2014 तक सारी सरकारें मिलकर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लेती है, तो केंद्र सरकार का हिसाब इनको देना पड़ेगा। केंद्र के जुल्म के कारण आम आदमी की आंख में आंसू है, जुल्म हम नहीं कर रहे, जुल्म केंद्र सरकार कर रही है, हम तो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। क्या बात करते हैं, हमारे स्टेट में पेट्रोल डीजल पर उतना ही टैक्स है राजस्थान में जितना 2014 में था। बीजेपी के नेता बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, झूठ के जनरेटर है, शर्म नहीं आती इनको। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मिलावट भी हो रही है, बकायदा वैध मिलावट हो रही है। केंद्र सरकार ने पहले 10% मिलावट को मंजूरी दी थी, अब 20% तक कर दिया है, 40% तक ले जाने। इथेनॉल की मिलावट को वो मंजूरी दे, कानून बनाए, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो कम करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, राजस्थान बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं राजस्थान की सरकार है ना जो टैक्स कम नहीं कर रही है। अरे भाई साहब, आप वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, जितना टैक्स राजस्थान की सरकार तब पेट्रोल डीजल पे लेती थी उतना ही हम आज लेते हैं। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स मोदी सरकार ने बढ़ाया। और आप इस बात को भी समझ लो, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस मोदी सरकार ने बढ़ाया, तो महंगा केंद्र सरकार ने किया है। हम तो सस्ता कर रहे हैं, फ्री में मेडिकल देते हैं, फ्री में बिजली देते हैं 38 लाख लोगों के घरों में, तो हम तो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार लोगों को घुटकर मारने का काम कर रही है। बात ये है कि इथेनॉल जो है ये सस्ता आता है, लेकिन इससे वसूली जो जा रही है कीमत, वो पेट्रोल की कीमत वसूली जा रही है, सस्ती चीज की। आप ठीक कह रहे हो, इथेनॉल मिलाकर भी पेट्रोल डीजल आप सस्ता नहीं कर रहे, तो आपकी नीयत खराब है केंद्र की, बीजेपी की सरकार के लिए। सुन लेना, जुल्म ज्यादा दिन तक देश स्वीकार नहीं करता। सर एक सवाल है, इमरान चौधरी ने कहा है बाड़मेर में कि दो ही नेता ऐसे देखने वाले मैंने जीवन में जो क्विक डिसीजन लेते हैं, नरेंद्र मोदी एक, इंदिरा गांधी। हमारी पार्टी क्विक डिसीजन नहीं ले पाती। आप मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी जी तो क्विक डिसीजन लेती थी और उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी क्विक डिसीजन नहीं लिया। यदि वो क्विक डिसीजन लेते तो आज महंगाई कम हो जाती, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते। तो नरेंद्र मोदी जी तो कोई क्विक डिसीजन नहीं लेते, यदि वो लेते तो आज देश महंगाई के कारण देश तिल तिल कर लोग परेशान नहीं होते।